Hello and welcome to the fifth chapter of class 6 supplementary book and the name of the chapter is Tansen. Namaskar, aap sabhi ka swagat hai class 6 ke supplementary book ke fifth chapter mein jiska naam hai Tansen. To chaliye dekhte hain kahani. Kahani ke aarambh mein kuch hint point diye hue hain jisse kahani hame samajhne mein aasani hogi. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट. तानसेन जो थे वो अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे. नॉटी बट टैलेंटेड ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. वो बहुत ही शैतान थे लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही गुणवान भी थे क्योंकि उन्होंने चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ की बखूबी नकल करनी सीख ली थी. Tried to frighten a group of traveler by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने राह में जाने वाले कुछ राहगीरों को पथिकों को डराने की कोशिश की शेर की आवाज़ के साथ. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने शायद तानसेन का नाम सुना हो. ये हमारे देश के जाने माने गायकों में से एक हैं. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. हमारे देश के एक गायक थे जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी जो कि ग्वालियर बेहत के रहने वाले थे. तानसेन was their only child. तानसेन जो थे वो उनके एकमात्र संतान थे. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. तानसेन को जब भी मौका मिलता वो जंगल की ओर भाग जाते थे और जंगल में खेलते थे. बहुत ही जल्द वो जंगल में जाने के कारण चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ की बखूबी नकल कर लेते थे. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बहुत ही जाने माने गायक थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास. वो एक बार अपने अनुयायियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. क्लांति की वजह से थकावट की वजह से वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए. तानसेन ने उन्हें देखा. Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. जंगल में अनजाने लोग, तानसेन ने अपने आप से कहा. बहुत मज़ा आएगा अगर इन्हें डराया जाए. तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक शेर की तरह उन्होंने दहाड़ लगाई. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. अब जो ये लोग थे ये वहाँ से घबरा कर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें एक साथ बुलाया. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, डरो मत, हर शेर खतरनाक नहीं होता है. चलो इस शेर को ढूंढते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय. अचानक से उनमें से एक आदमी ने तानसेन को देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. तो उसने आकर सबको बताया कि देखिए यहाँ कोई शेर नहीं है बल्कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये यहाँ छुपा हुआ है. अब देखते हैं आगे की पॉइंट्स. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. ही स्टेड विथ अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गुवाज. ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. तानसेन स्वामी हरिदास से 11 साल संगीत सीखते रहे. वो मोहम्मद गुवास जो कि एक साधु व्यक्ति थे उनके साथ भी उन्होंने समय बिताया. बाद में उन्होंने हुसैनी नामक एक महिला से शादी कर ली जो कि रानी मृगनैनी के दरबार में रहती थी. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी.
He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी, बल्कि वो तानसेन के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा, आपका बेटा बहुत ही शैतान है, लेकिन वो बहुत ही गुणवान भी है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस छोटे से बच्चे के अंदर जो टैलेंट, जो गुण है, वो साधारण लोगों में नहीं मिलता, कि उन्होंने जंगल के जानवरों की आवाज़ की नकल करनी बहुत खूबी रूप से सीख ली थी। तो इस बात से उन्होंने उन्हें टैलेंटेड या फिर गुणवान कहा। तानसेन वॉज 10 years old वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। तानसेन सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। 11 साल तक तानसेन उनके साथ रहे, उनसे म्यूजिक यानी संगीत सीखा और एक बहुत बड़े गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गुआज ऑफ ग्वालियर। इस समय अवधि में, यानी इस 11 साल के समय अवधि में, तानसेन ने अपने माँ और पिताजी दोनों को खो दिया था। उनके पिताजी मुकंदन मिश्रा की आखिरी ख्वाहिश थी कि तानसेन मोहम्मद गुआज के पास जाएं ग्वालियर और उनके साथ समय व्यतीत करें। मोहम्मद गुआज वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गुआज जो थे वो एक साधु व्यक्ति थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गुआज, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। अब मोहम्मद गुआज के साथ मुकंदन मिश्रा के संपर्क बहुत ही अच्छे थे, उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। तो मुकंदन मिश्रा जो थे वो मोहम्मद गुआज के डिवोटेड थे, यानी वो उनकी आराधना या श्रद्धा करते थे। अब ग्वालियर के मोहम्मद गुआज के साथ जब तानसेन रहने लगे, तब वो कई बार रानी मृगनैनी के दरबार में भी गए थे, जो रानी खुद एक बहुत अच्छी गायिका या फिर म्यूजिक से रिलेटेड थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और वहीं उन्होंने हुसैनी नामक महिला से जान पहचान की, जो कि रानी के दरबार में रहती थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। अब हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की एक भक्त बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे म्यूजिक से रिलेटेड थे, वो भी संगीत विशारद थे। तानसेन हैड बाय द टाइम बिकम वेरी फेमस। समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। इसी बीच तानसेन को मौका मिला अकबर बादशाह के सामने गाना गाने का, और अकबर बादशाह इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन को अपने कोर्ट में यानी अपने दरबार में आने का निमंत्रण दे दिया। नेक्स्ट पार्ट। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के कोर्ट में बहुत ही, यानी अकबर के दरबार में बहुत ही लोकप्रिय हो चुके थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेग आफ्टर राग दीपक टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। यानी तानसेन ने अपनी बेटी और उसके दोस्त को राग मेघ गाने के लिए कहा, ताकि राग दीपक के प्रभावों को कम किया जा सके। अब वो क्या प्रभाव है, आइए विस्तार से देखते हैं। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। अब तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 1556 में गए और बहुत ही जल्द वह अकबर के चहिते बन गए।
अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उन्हें रात या दिन कभी भी बुला लेते थे गाना सुनने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अब कभी कभी अकबर खुद तानसेन के घर चले जाया करते थे जब तानसेन रियाज या फिर अभ्यास करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। अब अकबर ने तानसेन को बहुत से प्रेजेंट यानी गिफ्ट भी दिए हुए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन। अब कुछ दरबारी जो थे वो इस बात से बड़े ही जेलस फील करने लगे, उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि अकबर बादशाह जो हैं वो तानसेन से इतनी ज़्यादा चाहत क्यों रखते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। अब उनमें से किसी के दिमाग में आया कि हम तब तक शांति से नहीं रह सकते जब तक कि तानसेन हैं या फिर तानसेन का खात्मा नहीं हो जाता है। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक कोर्टियर यानी दरबारी शौकत मियाँ जिनका नाम था, उनके दिमाग में एक सोच या एक आइडिया घर कर गई। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड। एक काम करते हैं, तानसेन को राग दीपक गाने के लिए तैयार करते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि इससे हमें क्या मदद मिलेगी। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। अब उन्होंने जवाब दिया कि राग दीपक अगर सही तरीके से गाया जाए तो ये वातावरण को इतना गर्म कर देगा कि गायक जो है वो खुद राख में तब्दील हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड ही विल बी रिड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो उन्होंने सोचा कि तानसेन एक बहुत अच्छे गायक हैं, अगर वो राग दीपक को सही तरीके से गाएंगे तो वो खुद राख हो जाएंगे और मर जाएंगे, इससे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब वो अकबर के पास गए, शौकत मियाँ अकबर के पास जाकर उनसे कहते हैं कि बादशाह अगर आपको लगता है कि तानसेन एक बहुत अच्छे गायक हैं तो उनकी परीक्षा ली जाए और उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहा जाए, क्योंकि राग दीपक बहुत ही कठिन है और सिर्फ बड़े गायक ही इसे सही तरीके से गा सकते हैं। ऑफ़ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा कि बिल्कुल तानसेन ज़रूर गा सकते हैं, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। बट कुड नॉट डिसोबे द तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब तानसेन घबरा गए क्योंकि वो अकबर बादशाह के हुक्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अकबर से कहा कि महाराज मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। लेकिन ये जो समय था ये तानसेन ने अपनी तैयारी के लिए नहीं मांगा था, बल्कि वो अपने बचाव के लिए समय उन्होंने अकबर से मांगा था। कैसे, आइए देखते हैं। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। अब उन्होंने घर पहुँचने के बाद अपनी पत्नी से ये बात कही कि राग दीपक तो मैं गा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि ये सिर्फ दियों को ही नहीं जलाएगा, साथ ही साथ ये मुझे यानी गाने वाले को भी जला देगा, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि जो भी ये राग गाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा या राख हो जाएगा। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर राग मेघ गाया जाए उसी समय तो इससे बारिश होने लगेगी और इससे चारों तरफ वातावरण ठंडा हो जाएगा।
शायद उनकी बेटी सरस्वती और उनकी दोस्त रूपवती ये काम कर सकें। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राख मेघ। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उन्हें समझाया कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे ही दीपक जल जाएं तभी आप गाना शुरू कर दें। नेक्स्ट पार्ट, बोथ राग वेर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज। तानसेन डाइड इन 1585। आइए डिटेल्स देखते हैं। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। अब लोगों के मुंह से सुना गया है कि उस दिन तानसेन जब राग दीपक गाने वाले थे तो पूरे शहर से लोग आकर जमा हो गए थे कि वो देखना चाहते थे कि ये कैसे संभव है। When he began to sing, the air became warm। जब वो गाने लगे तो हवा जो है वो गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration। अब जैसे ही ऑडियंस यानी लोग थे वो वहाँ बैठे हुए लोगों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और सब के सब पसीने से भीग रहे थे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। अब जो पत्ते थे वो धीरे धीरे सूख कर ज़मीन पे गिरने लगे थे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल। अब जो चिड़ियाँ थी जो हवा में उड़ रही थी वो धीरे धीरे ज़मीन पे गिरने लगी थी और जो जल स्रोत थे यानी पानी की जगह वो सब इतनी गर्म हो गई थी कि पानी उबलने लगा था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प। लोग चिल्ला उठे घबराहट के मारे जब उन्होंने देखा कि बिना आग के अचानक दीपक कहीं से जल उठे। At once, सरस्वती and रूपवती began to sing राग मेघ। जैसे ही दीपक जल उठे सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain became down। अब आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। तानसेन was saved। तानसेन को बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। अब इसके बाद कहानी में कहा जाता है कि तानसेन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और अकबर को समझ में आ गया कि उन्होंने तानसेन को बहुत ही तकलीफ दी है। ही पनिश तानसेन एनिमीज। उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। वेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। अब जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरे शहर में खुशी का वातावरण था। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। ही कंपोज सेवरल न्यू रागस। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। अब तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उन्होंने कई नए राग भी बनाए और तानसेन की समाधि ग्वालियर में है और ये लोगों के लिए एक पिलग्रिमेज यानी धर्म स्थल या फिर आप कह सकते हैं कि धाम, जैसे हमारे चार धाम हैं उसी तरह से ये एक धाम है जहां म्यूजिशियन यानी संगीतकार जाकर माथा टेकते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, नमस्कार।